अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लियाकत हुसैन आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम बर्ड्स से। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपने इंक्यूबेटर का रूम, इंक्यूबेटर के रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इंक्यूबेटर के लिए एग के लिए कितना टेम्परेचर, कितनी नमी चाहिए होती है वो आपको बताऊंगा, मोरों के अंडे के लिए कितना टेम्परेचर और कितनी नमी रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप टेम्परेचर और उसकी नमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ऐसे ही मुर्गी के जो एग्ज हैं उनके लिए भी टेम्परेचर और उनके लिए नमी कितनी रखनी चाहिए। तो मैं आपको आज इसके मुतालिक जो आज की वीडियो है इसमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करूंगा। आए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये है कि आपको जहां पर रूम में आपने ये मशीनें वगैरह इंक्यूबेटर मशीन लगा रखी हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इसके लिए ये है कि आप एसी का ज़रूर इस्तेमाल करें, एसी के इस्तेमाल के बगैर आपका रिज़ल्ट मुश्किल है। आप ये है कि कम से कम आप एसी को 22 पे रखें। ये है कि इस तरह से आप मशीनों का जो टेम्परेचर है उसे बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अब सबसे पहले दिखाऊँगा आज मुर्गी के लिए कितना टेम्परेचर, कितनी नमी उनके अंडों के लिए चाहिए होती है उससे आगाह करूंगा। ये जो है इनके लिए जो टेम्परेचर है वो 37.8 से 27.9 तक बिल्कुल ठीक है, आप ये सेट कर दें। जैसे कि यहाँ पर सेट किया गया है 37.8 और नमी हमने सेट की हुई है 60 पे, तो इसी तरह से ये जो आप मौजूदा चल रहा है 37.9 और ये 62 पे नमी है, और नमी अगर ये 65 तक भी चली जाती है 65 तक तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए ये है कि ये तकरीबन इनके जो बच्चे हैं मुर्गी के ये तकरीबन 20 से 21 दिन में अंडे से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम चलते हैं यहाँ पर मोरों वाली मशीन की तरफ तो वहाँ पर उनके लिए जो टेम्परेचर है वो भी 37.8 और जो नमी है वो हम रखेंगे 55 यानी 55। इसके लिए ये है कि थोड़ी नमी कम चाहिए होती है मोर के अंडे के लिए और मुर्गी के अंडे के लिए थोड़ी नमी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसका जो है टाइम पीरियड वो ऐसे है कि 26 डेज में इनके बच्चे मशीन से बाहर आ अंडों से बाहर आ जाते हैं, और 27 डेज भी हो सकते हैं। इसी तरह से मुर्गी का जो है वो 20 से 21 डेज हो सकते हैं। ये इनके लिए टाइम पीरियड इतना होता है। तो ये है कि इनका बेहतरीन तरीका यही होता है जब आप मशीन में रखें तो इसके ऊपर आप जिस दिन आप रख रहे हैं उस दिन की आप इसके ऊपर डेट लिख लें। जब आप इसके ऊपर डेट लिख लेंगे तो इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस अंडे को रखे हुए हमें कितने दिन हो चुके हैं। इसके लिए ये है कि आप इसे ठीक 8 दिन बाद इन्हें चेक भी कर सकते हैं कि कौन से अंडे फर्टाइल हैं और कौन से फर्टाइल नहीं हैं। जो फर्टाइल ना हो उन्हें आप 8 दिन के बाद निकाल लें, 8 से 10 दिन में ये बिल्कुल 100% शो हो जाते हैं। सेम इसी तरह से आप मुर्गियों वाले एग्स भी उन पे डेट लिखेंगे, डेट लिखकर आप रख दें और ठीक 20 से 21 दिन में इनका रिज़ल्ट भी सामने आ जाता है। इनके अंडों को भी आप चेक कर सकते हैं, आप 8 दिन बाद इन्हें चेक कर लें। अगर आपके पास देखें कि मशीन में कैपेसिटी कम है तो 8 से 10 दिन में आप इन्हें चेक करके इनके अंडे भी जो फर्टाइल नहीं हैं वो निकाल लें। इस तरह से आपके अगर इंक्यूबेटर मशीन छोटी है तो आपके पास और एग्स की जगह भी बन जाएगी। जी,
अब ये मैं आपको एक एग दिखा रहा हूँ, ये फर्टाइल नहीं है, ये हमारे पास रखा हुआ था। देखें इसमें दोस्त पूछते हैं कि फर्टाइल और अनफर्टाइल का पता कैसे चलेगा। ये अब आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये फर्टाइल अनफर्टाइल का कैसे पता चलता है। तो ये देखें, अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ज़ीरो बल्ब की तरह रोशन है। आप इसे मोबाइल लाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि ये फर्टाइल है या नहीं है, वरना इसके लिए एक बिल्कुल लाइटली सी कोई भी लाइट आप यूज़ करेंगे उस पर आपको ये बासानी पता चल जाएगा। ये मैंने आपको अंडा दिखाया जो कि फर्टाइल नहीं है, अब मैं आपको दिखाऊंगा वो अंडा जो फर्टाइल है। जी ये एक अंडा है हमारे पास जो कि फर्टाइल है, मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह इसमें बच्चा बना हुआ है। ये आपको ये रिंग नज़र आ रहा है ऊपर, ये बच्चा बना हुआ है इसमें। ये तकरीबन 15 दिन इसकी एज हो चुकी है, तो ये मोरक्का है और 15 दिन एज का ये बच्चा है इसके अंदर। ये आप देखेंगे ये गौर रिंग बन गया। जो मैंने आपको पहले एग दिखाया है वो आपने देखा है कि ये बिल्कुल इसमें वो रिंग वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि एक फर्टाइल अंडे में नज़र आती है, जैसे कि ये नज़र आ रही है इस तरह से। सेम इसी तरह से आप मुर्गी के अंडे भी चेक कर सकते हैं। ये देखें ये मुर्गी का अंडा है, ये भी फर्टाइल नहीं है, ये इसकी निशानी है, ये फर्टाइल नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और अंडा जिसकी डेट है 5वें महीने की डेट है 5-5। तो ये जो है ये फर्टाइल है, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें सेम उसी तरह से इसका भी रिंग बनता है, नज़र आता है, सेम वही कंडीशन है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।